तो आप देख रहे हैं एग्जाम एड जी, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेक्स्ट हमारा जो घटना चक्र के जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स थे तो उनको कवर करूंगा। तीन वीडियो बन चुके हैं पहले ही, जिन्होंने नहीं देखे हैं एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा। और इसे आप चलते चलते एक तरह से जैसे एक दिन पहले या उस समय ट्रेवल कर रहे हों जब आपको एग्जाम देने जाना है, तो उस समय आराम से इन्हें देख सकते हैं। 2 घंटे का लगभग पूरा मैटर बन जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग एक तरह से इससे ज़्यादा सटीकता से एक तरह से घटना चक्र का निचोड़ चाहते हैं, तो वो मैंने UPPSC प्रिपरेशन नाम से जो चैनल है मेरा दूसरा, उस पर मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, UPPSC प्रिपरेशन, ठीक है? तो हमने यहाँ से देखना है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि कितनी थी, तो ये थी आपकी 2008 से लेकर 2012 तक, ठीक है? और द्वितीय की कौन सी है जो अभी लागू हुआ है, तो ये आपका 1 जनवरी 2013 से दिसंबर 2020 तक। तो ये चीज़ें आप याद में रखिएगा क्योंकि सिलेबस में दिया गया है पर्यावरण से रिलेटेड जैव विविधता, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, तो ये थोड़ा सा देख ध्यान में रखिएगा, मार्च की घटना है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए बस, 20 मार्च। और वर्ष 2017 की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शामिल कितने देशों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 में प्रथम और अंतिम देश, तो केवल प्रथम देखना है हमें, ठीक है? प्रथम है आपका नॉर्वे बस, और इसमें भारत की रैंकिंग इम्पोर्टेंट है, नॉर्वे भी याद ना रहे तो केवल भारत की रैंकिंग देख लें आप, 122, ठीक है? और नेक्स्ट है आपका बेईपान नदी पर निर्मित पहली तरह का, अपनी तरह का विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल कौन सा है, बेईपान जियांग पुल, ये जो कि चीन में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है किसे, ये एक तरह से बेसिक हो जाता है, कभी कभी हो सकता है आ जाए, मिलाओ वायडक्ट पुल। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2016 रिपोर्ट जारी की गई, तो ये किसके द्वारा जारी करा जाता है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं ऐसे, यूपीएससी में आजकल आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी थोड़ा सा अजीब सा आएगा, तो उसके लिए सही दिया उन्होंने घटना चक्र वालों ने। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान जो है जारी करता है। 2012 से 16 की अवधि में विश्व के शीर्ष दो शस्त्र आपूर्ति करता है, यानी कि जो बेचते हैं, तो वो है अमेरिका, ठीक है? सबसे ज्यादा अमेरिका बेचता है, और सबसे ज्यादा दो विश्व आयातक कौन है, तो सबसे पहले नंबर पर भारत ध्यान में रखिए, और कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सऊदी अरब है, या सऊदी अरब थोड़े दिनों के लिए हुआ था बीच में, लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आ गया तो भारत लगाना है आपको, ठीक है? और एक ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, भारत को शस्त्रों के प्रमुख आयातक आपूर्तिकर्ता कौन देश है, तो सबसे पहले नंबर पर तो रूस है, ठीक है? रूस से हम सबसे ज्यादा लेते हैं, खरीदते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करता है वो ऊपर दे ही दिया था, अमेरिका करता है निर्यात। मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, योग को शामिल किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? दे दिया जाएगा, लगा दीजिएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या, तो ये भी संख्या याद रख लीजिए, 12, ठीक है? इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, इस वजह से ये थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उन्हें अपने दिमाग में थोड़ा सा शब्द जाने दीजिए। योग, नवरोज, रामलीला, रमन, कालबेलिया, संकीर्तन, छऊ नृत्य, ठीक है? तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाई चांस आ गया इनमें से कौन सा नहीं है तो बता दीजिएगा। 2016 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 के ऑनलाइन रीडर्स पोल में कौन विजेता रहे थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016 में शामिल भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है? तो 8वां ध्यान में रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 8वां, हम 8वें नंबर पर रहे, ठीक है? चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल में शामिल होने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है, तो ये बाल्टिक देश पूछ लिया जा सकता है कि पहला है ये लाटविया, ठीक है? तो आपको पता होगा बाल्टिक देश यूरोप के जो ऊपरी देश है, एक तरह से नार्डिक देश से नीचे उन्हें कहते हैं बाल्टिक देश, बाल्टिक सागर भी है वहां पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी इंपोर्टेंट है, जलवायु से संबंधित है, 20वां स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट जो है, पहली बार वैश्विक युवा, एक सेकेंड, विकास सूचकांक जारी किया गया, तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो पहली बार जारी किया गया तो जरूरी है जानना, तो ये किया गया अक्टूबर में किया गया था, 1 साल की घटना है एक तरह से, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा। और वैश्विक युवा
विकास सूचकांक 2016 में शामिल भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक 133, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। G20 का 12वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका हेमबर्ग जर्मनी में, ये तो हमने पहले देख लिया था, लगा रिपीट हो गया थोड़ा सा, हेमबर्ग जर्मनी में, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। और मध्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित प्रथम महासागर सम्मेलन का शीर्षक क्या था? तो प्रथम महासागर सम्मेलन जो हुआ था ये ध्यान में रखना है, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। और इसका विषय मुश्किल आएगा तो याद मत करिए बिल्कुल भी, दिमाग बिजी मत करिए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। तो ये इम्पोर्टेंट, आजकल पर्यावरण दिवस चल रहा है और अब शायद पूछ लिया जाए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून याद कर लीजिए, ठीक है। 5 जून को तो आपको पता ही है। विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य 2013 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तीय वित्तीयन हेतु जून 2017 में गठित करी गई निधि कौन सी थी? संयुक्त भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि, ठीक है। तो ये करी गई है, ये फंड प्रोवाइड करेगी सतत विकास लक्ष्य 2030 को लक्ष्यों को प्राप्त कराने में, ठीक है। ताओर्मिना इटली में आयोजित G7 के ये 43वां शिखर सम्मेलन है, इसका प्रमुख मिशन क्या है? तो ये याद नहीं रखना है प्रमुख मिशन क्या है, क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है, इस वजह से बस इतना याद रखिए G7 का कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, ताओर मीना में, ठीक है। और 44वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ होगा, ये होगा है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आउट ऑफ हो जाता है एक तरह से, अभी हमें याद करनी है बिल्कुल भी। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया का 6वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका अमृतसर में, पंजाब में, ठीक है। हार्ट ऑफ एशिया, तो ये एक तरह से ये मान के चलिए पूछ लीजिए किस देश से संबंधित है ये, तो ये आपका अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के जो जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने के लिए इसमें रणनीति एक तरह से बनाई जाती है, ठीक है। मराकेश मोरक्को में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय जिसे यूनिसेफ यूएनई सॉरी UNFCCC बोलते हैं के पक्षकारों के वार्षिक सम्मेलन के 22वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना, ठीक है, नहीं आएगा ये बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते से अलग होने वाला देश ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान में रखना, ठीक है। और मध्य संयुक्त सॉरी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की 13वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? कानकुन में, ठीक है, दिसंबर में हुई थी, तो थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी है। कानकुन, कानकुन कहाँ है? मैक्सिको में, ठीक है। और गोवा में बेनोलिम में आयोजित 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो ये तो बिल्कुल अभी जो हो चुका है पांच ब्रिक्स का सम्मेलन वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो मैंने बता भी दिया है अपने जो जो चैनल है दूसरा उसमें, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, जो नया वाला है 2016 वाला अब आएगा, ये सितंबर का है, तो इसे ना याद करें बिल्कुल भी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला देश 2016 से 16-19 की अवधि में, तो ये है आपका वेनेजुएला, तो ये याद कर लीजिए बस। और नवंबर में एपेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था लीमा में पेरू में, ठीक है, ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए बस। एपेक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, ये 2017 की बात है, तो अभी होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है कुल मिला के। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 8वां ओजोन सचिवालय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था क्रिगाली में, क्रिगाली कहाँ है? रवांडा में, से याद कर लीजिए, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार, ठीक है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु समझौता करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो ये भी एक तरह से पूछा जा सकता है, 197, ठीक है। और ईरान के राष्ट्रपति मई में हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर हसन रूहानी, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, एक सेकंड। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जनवरी की घटना है और एक तरह से वैश्विक लेवल की है। शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति हैं? 45वें, ठीक है, ध्यान में रखना है। और आपके 9वें महासचिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र के कार्यभार ग्रहण करने वाले एंटोनियो गुटेरेस जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? पुर्तगाल के, यानी पुर्तगाल के हैं, वो कहने का तात्पर्य ये है, तो यही पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं, ये भी फैक्ट आ जाते हैं कभी कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पुराना पेपर देखा होगा तो। कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित कितना है? तो 275 याद रखें, ठीक है, 275, ये तो याद ही रखें एक तरह से, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है भारत का 2016-17 में, ठीक है। और दूसरा
तो बस इसमें केवल यही याद रखें, बाकी सब मैंने देख लिया, कोई इफेक्ट इंपोर्टेंट नहीं है।